गुड आफ्टरनून एवरी वन, दिस इज पीयूष और आप लोग देख रहे हो पीयूष ब्लॉग्स। तो फिलहाल टाइम है 12:03। हम लोग कुछ खाने का सामान वगैरह ले रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं कोलकाता स्टेशन पे और सुबह से कुछ ब्लॉग वगैरह कर नहीं सका क्योंकि ट्रेन पे भी था, गाड़ी में भी था, तब मैं काम कर रहा था फ़ोन पे। सो हम लोगों का जो ट्रेन है मालदा के लिए वो होने वाला है 12:55 को। तो फिलहाल हम लोगों के पास लगभग एक घंटा है अभी भी। तो अच्छा, हमारे ट्रेन का की नाम है तेभागा एक्सप्रेस। तो हम लोगों का जो ट्रेन है उसका नाम है तेभागा एक्सप्रेस और ये वाला जो ट्रेन है ये जाएगा मालदा तक। तो सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक, तो कुछ खाएंगे फिर ट्रेन पे बोर्ड करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को फुल जर्नी। हम लोग जो आसाम जा रहे हैं ना, तो हम लोग तीन लोग जा रहे हैं, मैं, राजा और उसका एक भैया है। हमारा नाम देवव्रत बसु, भैया का नाम है देवव्रत और दिस इज़ माय फ्रेंड राजा। तो हम तीनों जा रहे हैं आपका आसाम के लिए। तो हम लोगों का मतलब असम में कई एक जगह पे हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग लगभग 3 से 4 जगह पे रुकेंगे। लाइक पहले तो अच्छा वही जगह का नाम क्या है, रिंगताना की रंगिया। तो हम लोग पहले उतरेंगे रंगिया पे, कामाख्या का पिछले वाला जो स्टेशन है उसका नाम है रंगिया। तो रंगिया से हम लोग जाएंगे डेकर गाँव जो आता है तेजपुर एरिया में। तो तेजपुर पे हम लोग उतरेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर वहाँ से राजा का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे। फिर हम लोगों का कुछ प्लान है कि हम लोग काजीरंगा जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जाएंगे। तो लेट सी क्या होता है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते, स्टे ट्यून्ड ऑन टिश्यू ब्लॉग्स। थैंक यू। तुम्हार नाम भूल देवव्रत भैया और मदन भैया। तो मैं उनको मदन भैया ही बुलाऊंगा। तो हम दोनों अभी लंच करने जा रहे हैं क्योंकि राजा सुबह को खा के आया है फिश थाली। सिंपली ठीक है दोटो कत को फिश थाली 230 कोड़े और उन्नो की आज चिकेन आज और भेज फिश थाली देगा। तो कोलकाता स्टेशन पे ही एक रेस्टोरेंट है जो रेल का ही IRCTC का ही होगा प्रोबेबली। तो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और हम लोगों ने जो थाली लिया है वो है फिश थाली जो है 240 रुपीज़ पर हेड। तो टोटल हम लोगों का आएगा 480। शायद आपका रायता तो हम लोगों का सेम थाली ही है। तो हम लोग अभी खाते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम भी है, ब्लॉग तो बाद में भी आराम से कर लूँगा। तो चलिए खाते हैं फिर। मैं अभी ना ये दाल थोड़ा सा खाया और ये वाला जो सब्जी है ना इसको खाया। ये सब्जी जो ना बहुत ही बढ़िया है, बंगाली में बोलूँ तो एकदम फाटा फाटी। फिश करी तो मोटा मोटी ठीक ठाक है। फिश करी भी ठीक ठाक है लेकिन सबसे बढ़िया वाला जो
आइटम था वो आपका सब्जी जो दिखाया आप लोगों को, और थोड़ा सा रायता भी हमने ट्राई किया, वो भी बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल सब आइटम के अंदर जो सब्जी है सबसे बढ़िया है। सो खाना पीना हो चुका है ख़त्म और मैं थोड़ा सा निकला हूँ, कुछ पान मसाला टाइप का कुछ लेना है मुझे, क्योंकि ट्रेन के अंदर बहुत ही मतलब बहुत टाइम स्पेंड करना है, दैट्स वाई। तो भैया जो है वो अभी तक उनका खाना कंप्लीट नहीं हुआ। सो ये जो IRCTC का रेस्टोरेंट है इसका बिलिंग जो है आपको पहले करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों का मैं तब दिखाना भूल गया था कि कितना हुआ हम लोगों को। सो दिस इज द बिल। सो हम लोगों का आया है टोटल 490 रुपीज़। आपका थाली का है, दो थाली का है 460, और 15 रुपीज़ जो रेल नीर है आपका, 15 रुपये करके दो बोतल लिया है हमने, तो उसका है 30 रुपीज़, तो टोटल आया 490। हम लोग अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, और ये वाला जो स्काई वॉक है, और ये स्टेशन मुझे कोलकाता स्टेशन, जिसको चीतपुर स्टेशन भी बोलते हैं, तो स्टेशन मुझे याद दिला रहा है आपका ओल्ड दिल्ली स्टेशन का। बालूरघाट का। सो इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 1602। सॉरी, अच्छा एक कोच नंबर है, ट्रेन नंबर कौन सा है? ओ सॉरी 13162 डाउन। डाउन है या पे डोंट नो। तो हम लोग कोच कौन सा है? दिस वन। तो फिलहाल हम लोगों को जो सीट है फाइनली हम लोग फाइंड कर लिया, तो हम लोगों का जो है 32। ये तीन सीट है हम लोगों का, तो भैया जो है बैठ चुका है। सो हम लोगों का जो ट्रेन है का ट्रेन नंबर है 13162 कोलकाता बालूरघाट एक्सप्रेस, और ट्रेन का जो टाइम है 12:55। तो लगभग हम लोगों के पास अभी 10 मिनट्स हैं, 10 to 11 मिनट्स। तो सीट का जो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि हम लोगों को तीनों को एक साथ कोई सीट वगैरह नहीं मिला, तो जो भी है देखा जाएगा, क्योंकि मैंने जो सीट लिया उसके बगल वाले जो पैसेंजर है वो अभी तक आया नहीं है, और अगर वो नहीं आते तो उस सीट पे हम लोग ही कब्जा कर लेंगे। तो चलिए ट्रेन पर चढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉक को। सो ये वाला जो सीट है कौन जाने किसका है, लाइक मेरा वाला जो है मिडिल वाला है। सो हम तीनों
तरफ, तो यहाँ पे अगर कोई आता है विंडो सीट की डिमांड करता है तो उनको तो देना ही पड़ेगा। सो उनको आने के पहले मैं थोड़ा सा विंडो व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे ये वाला जो ट्रेन है, सीटिंग चेयर कार जो बोलते हैं इसको, इस पर मैं पहले कभी नहीं चढ़ा। ये इस ट्रेन पे मेरा, आप लोग बोल सकते हो कि मेरा फर्स्ट जर्नी है। तो फिलहाल टाइम है 12:48 इन द आफ्टरनून और ट्रेन को छोड़ने में अभी भी 7 मिनट है, 5:07। और ये जो ट्रेन है, आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, आपका गोरखपुर वाला है। सो राजा से पूछते हैं कि उसको ये वाला जो ट्रेन जानी है उसको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ रंगिया पे। रंगिया से वैसे उसका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को लेके वो थोड़ा सा टेंस्ड भी है। तो मैं आप लोगों को एक्चुअली ट्रेन का जो नंबर है गलत बताया था, मैंने बताया था 13162, लेकिन आई थिंक 13162 वाला जो है वो आपका बालूरघाट से कोलकाता तक जो, मतलब ये जो कोलकाता जब आते ये वाला जो ट्रेन, तब इसका नंबर आया था 13162, लेकिन अभी जो कोलकाता टू बालूरघाट जो ट्रेन है इसका नंबर है 13161। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे। तो कोलकाता से ट्रेन छोड़ के नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा हम लोगों का होगा अपना बर्धमान जंक्शन, और बर्धमान जंक्शन के बाद हम लोगों का जो स्टेशन आएगा बोलपुर, फिर आएगा रामपुर हाट, फिर आएगा पकूर, फिर न्यू फरक्का जंक्शन, उसके बाद आएगा मालदा। तो अभी एकदम डॉट 12:55 है और हम लोगों का जो ट्रेन है वो छोड़ दिया है। तो अभी तो यहाँ से लाइक एकदम एक्यूरेट टाइम पे ट्रेन को छोड़ा है, लेकिन देखते हैं टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं। तो मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा फ़ोन रिसीव करके फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो कुछ ही दिनों के लिए कोलकाता को कहना पड़ रहा है अलविदा, और सी यू असम। टाइम इज़ 1:21 इन द आफ्टरनून और हम लोग अभी है बड़ा नगर स्टेशन, और दिस इज बड़ा नगर स्टेशन। सॉरी दक्षिणेश्वर, ये जो स्काईवॉक, ये आपका माँ की मंदिर पे जाने वाला जो स्काईवॉक है वही वाला। इसका वॉशरूम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो हम जिस कोच में हैं, यहाँ पे इंडियन स्टाइल है दोनों तरफ, आपका दोनों साइड में इंडियन स्टाइल है, तो अलग से कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो दिस इज द मिरर, कंडीशन एकदम बेकार है, लाइक
वैसे ऐसा ही होता है, लाइक ये कोई फर्स्ट क्लास लाइक ट्रेन भी नहीं है. दिस इज द इंडियन स्टाइल टॉयलेट और यहाँ पे बेसिन है, एकदम सिंपल सा है. और अभी बस ट्रेन को ट्रेन अभी अभी लाइक 15-20 मिनट हुआ है, छोड़ा है, लेकिन देखते हैं. टॉयलेट अभी फिलहाल थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना फिर हालत तो आई थिंक बहुत ही ख़राब होने वाला है. गाइस फिलहाल हम लोग हावड़ा में एंटर कर चुके थे, तो अभी हम लोग बाली हॉल्ट के थोड़ा सा आगे, लाइक वो दूर से दूर जो दिख रहा है ना स्टेशन, वो है बाली हॉल्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो मिनट का प्रॉब्ली सिग्नल का इश्यूज के कारण यहाँ पे खड़ा हुआ था ट्रेन, और अभी फिर से ट्रेन चलने लगा. सो दिस इज द व्यू. एक बज के 40 मिनट और थोड़ा सा मतलब लंच किया था हम लोगों ने लगभग 12:30 को, तो थोड़ा सा भूख लग गया. तो यहाँ पे कुछ पूड़ी भजा टाइप का कुछ था, ये दाल, फिर मटर, ये सब कुछ लिया है, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह. थोड़ा सा बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो थोड़ा सा ये सब कुछ खा लेंगे, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा. तो हम लोग मालदा पहुँचेंगे लाइक रात को, शाम को 7 बजे के करीब, 7 या 7:30 को. और मालदा उतर के हम लोग लाइक मतलब 5-6 घंटे का हम लोगों को एक ब्रेक मिलेगा. तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो प्लान है मालदा उतर के नहाने का, तो वहाँ से मतलब मालदा पे नहाएंगे, फिर फ्रेश होके फिर 12 बजे हम लोगों का ट्रेन है. तो उस वक्त के लिए मतलब 5-6 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. राजा को बोला था मैंने कि रिटर्निंग रूम जो मिलता है लेने के लिए, लेकिन राजा ने बोला कि जो हम लोग जिस ट्रेन पे जा रहे हैं ना अभी लाइक चेयर कर, तो चेयर कर वाले को कोई रिटर्निंग रूम नहीं मिलता है. तो क्या होगा, तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ 60-65-70 पे चल रहा था, लेकिन अचानक से स्पीड जो है लाइक अभी देखिए 99-100 पे चल रहा है. एवरेज है, ठीक है, बीच में 100 और भी आया था. स्पीड काफ़ी अच्छा है, ऐसा अगर मेंटेन करेगा तो हम लोग शायद राइट टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी. फोटो लगा था तो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग शक्तिगढ़ स्टेशन. शक्तिगढ़ जो बर्धमान के अंदर ही आता है, ये जो जगह है ना शक्तिगढ़, ये फेमस एक बंगाली मिष्टी है जिसको स्वीट बोल सकते हो, एक डिज़र्ट है. तो जैसे गुलाब जामुन होता है, तो लंबा वाला गुलाब जामुन आप लोग बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं बंगाली में लैंगचा. तो ये जो शक्तिगढ़ है वो लैंगचा के लिए फेमस है. तो कभी कोई शक्तिगढ़ आते हो तो ऑफकोर्स शक्तिगढ़ वाला जो लैंगचा ट्राई करना. बर्धमान आ गए, ये वाला डोर लॉक है, मैं इसे खोल के जाने की कोशिश कर रहा था. मैं सोचा कि थोड़ा सा स्टेशन पे उतरूँगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोगों को,
मगर ये वाला बंद है, दूसरे वाले गेट से ट्राई करते हैं। वर्धमान जंक्शन पे उतरने का कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ ना कि जो जैसे मैं बताया कि वो वाला गेट बंद था, लेकिन दूसरे वाले गेट से जब मैं उतरने की कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग ट्रेन पे बोर्ड कर रहे थे, मेरे लिए इम्पॉसिबल रहा। तो आते टाइम अगर वर्धमान पे रुकता है ट्रेन, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल टाइम है मुझे एक्चुअली आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि रात को वो ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो क्या करूँ सच, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा वाला कुछ पैसेंजर्स भी आ चुके हैं, सामान वगैरह छोड़ के सो जाना। फिलहाल दिस इज द सिचुएशन ऑफ माइंड, क्योंकि वर्धमान जंक्शन से पैसेंजर्स चढ़ गए थे तो और आज शिफ्ट कर गए, और मेरे दोनों साइड पे दो भाई आके बैठ गए, तो क्या कर सकते, चलते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा सो गए थे, और फिलहाल हम लोग हैं अभी संथिया जंक्शन पे। ये जो स्टेशन है एक्चुअली ये हमारा रूट का कोई स्टॉपेज नहीं है, लेकिन अभी सिग्नल इश्यूज के वजह से यहाँ पे रोक दिया गया, और हम लोगों ने एक यहाँ पे एक भाई साहब बैठे थे, ये वाला जो भाई साहब ब्लू टी शर्ट, उनको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के पास गैजेट्स वगैरह है, बैग है, लैपटॉप है, तो राजा और मैं एक साथ बैठ गए लोग उनको कन्विंस करके कि भैया थोड़ा सा शिफ्ट कर जाओ, हम दोनों एक साथ बैठते हैं, तो भाई सब अच्छे थे, मान गए। So right now the time is 4:50 in the afternoon, और मैं और राजा एक्चुअली बोर हो रहे थे कि ट्रेन के अंदर ऐसे बैठे बैठे हम लोग मतलब खा ही जा रहे हैं, जो जैसा मूढ़ी वगैरह, फिर छोला वगैरह जो भी आ रहा है, मतलब हम लोग बैक टू बैक कोई मतलब पाँच छः बार हो गया हम लोगों का मूढ़ी ऐसा कुछ स्नैक्स वगैरह खाना है। तो हम लोग बोल रहे थे कि कभी कभी ये मतलब घर वगैरह छोड़ के कहीं पे निकलने का मजा ही कुछ और है, ये जो ट्रेन है थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद मेरा जो ट्रेन जर्नी है, लेकिन सेकंड थिंग जो है अच्छा भी लग रहा है, एक ऐसे ट्रेन पर बैठा हुआ। और ये वाला जो आपका व्लॉग है कोलकाता से मालदा, वो उतना भी अच्छे तरीके से मैं व्लॉग को प्रॉब्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, कि व्लॉग कर नहीं पाया, लेकिन आई थिंक मालदा टू गुवाहाटी वाला ट्राई करूँ। रेलवे का जो ऐप है मालदा पहुँचने वाला 7:00, तो 7:05 के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे, तो मौसी आए थे, हम दोनों को आशीर्वाद देके गया, अच्छे हैं लोग, लाइक हम लोग अभी कोई मजबूरी है बहुत, कभी कभी ठीक है, लेकिन जो लोग बिहेव अच्छे करते हैं ना उन लोग को पैसा दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है कि जबरदस्ती करता है, ऐसा ठीक नहीं है। लाइक अब अच्छे से बात करूँ, अब बोलो बेटा मुझे पैसे दो, प्रमोशन चाहिए किसी को, फिर किसी को आपका हेल्प चाहिए, तो हम लोग दे देंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती करोगे
कत ही नहीं रहे। तो फिलहाल हम लोग है पाकुड़ जंक्शन पे। तो फिलहाल टाइम है 5:30 इन द आफ्टरनून कोलकाता। अभी ट्रेन पे चढ़ जाते क्योंकि स्टॉपिस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और नेक्स्ट जो आप लोगों को दिखाने वाला है वो आने वाला है फारक्का जंक्शन। तो ये जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है ना ये एकदम नैरो है, इसीलिए ये वाला पोर्शन मतलब ये ट्रेन बिहार से जाता है। मतलब हर एक ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है पाकुड़ स्टेशन को आता है, मतलब यहाँ पे रुकता है। ये वाला पार्ट बिहार के अंदर से फिर एक्चुअली आपके जो हावड़ा वंदे भारत है जो सिलीगुड़ी तक जाता है उसका भी शायद पाकुड़ जंक्शन जो है पाकुड़ स्टेशन ये यहाँ पे खड़े होते हैं। जंक्शन पे और ये स्टेशन जो है इसको क्रॉस करने के बाद ही जो आएगा फारक्का बैरेज, और जिसके लिए मैं बहुत ही टाइम से वेट कर रहा हूँ। जो ट्रेन है ये प्रॉब्ली गुवाहाटी की तरफ से लाइक नॉर्थ ईस्ट की तरफ से प्रॉब्ली अरुणाचल की तरफ से भी आ रहा होगा। तो ये ट्रेन फुल आर्मियों के लिए स्पेशल आर्मी ट्रेन है ये, लाइक आर्मी हो गया मतलब डिफेंस लाइन का जितने भी सेक्टर्स है लाइक आर्मी ITBP फिर BSF वगैरह मतलब के लिए ये जो ट्रेन है यहाँ पे भारत माता की जय का नारे लगा रहे हैं। भारत माता के जय, भारत माता के। So finally we reached Malda town. Right now the time is 6:58 PM। सूत्रों के अनुसार कि ट्रेन जो है हमारा ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस 3 to 4 hours लेट है। लाइक हम लोगों का जो डिपर्चर टाइम था रात को 12 या 12:30 को, लेकिन अभी जो जानकारी के मुताबिक ट्रेन मालदा से छोड़ेगा लाइक सुबह को 3 या 4 बजे को। तो हम लोगों का वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया। वेट से क्या होता है सोचे कि एक रूम लेंगे फिर थोड़ा सा रेस वगैरह कर लेंगे। वेट से क्या होता है अरे काउंटर ही जाओ काउंटर ही जाओ काउंटर सामने। तो यहाँ पे रिटर्निंग रूम के सामने हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट में थे वो लोग बोले कि आप लोग ठहर सकते हो कि वहाँ पे AC रूम्स है और नॉन AC रूम्स है। उन्होंने बोला कि टिकट काउंटर पे जाओ और वहाँ से टिकट मिल जाएगा। तो क्योंकि जैसे कि हम लोगों का बहुत ही लेट है ट्रेन छोड़ने को लाइक 6 to 7 hours, तो हम लोगों को उतना टाइम प्लेटफॉर्म पे बैठ के लाइक गुजारना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग को एक रूम चाहिए, थोड़ा सा नहाना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ और वहाँ से हम लोग रिचार्जिंग रूम का टिकट लेंगे।
15 मिनट्स लेटर काउंटर से बोला कोई भी रूम खाली नहीं है, सो कल सुबह 8 बजे तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का ट्रेन आज रात को है, लाइक 2-3 बजे। तो अभी क्या होगा देखते हैं, लाइक वी आर टोटली एग्जॉस्टेड। अभी हम लोगों का नहाने का इंतज़ाम हो गया, लाइक स्टेशन पे ही एक पेड बाथरूम है, लाइक नहाने का जगह है, वहाँ पे हम लोग नहाएंगे और लाइक वहाँ पे 30 रुपीज़ लेंगे नहाने के लिए। नहा के फ्रेश होके फिर यहाँ पे बैठेंगे, ऐसा ही प्लान है, क्योंकि होटल वगैरह कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है, लाइक 2-4 घंटे के लिए 700-800 रुपये। सो आई थिंक ये वाला जो स्पेंड होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे। मालदा स्टेशन पे मेरा नहाने की तैयारी, यहाँ पे थोड़ा सा नहा लेंगे फिर फ्रेश होके। एक भैया है जो मालदा में आरपीएफ का बैरक में है अभी, लाइक इस माइट प्लेटफॉर्म पे उनका ड्यूटी है, तो उनके बैरक में जाएंगे फिर उनसे थोड़ा सा बात वगैरह करेंगे फिर लौट आएंगे, ऐसे कुछ प्लान है। सो फिलहाल हम लोग नहा के हो चुका रेडी और यहाँ पे कहीं पे बैठने का एक जगह मिला, तो इसके लिए हम लोगों को देना पड़ा 100 रुपीज़ और नहाने के लिए 30 पर पर्सन। लाइक मैं और राजा नहाया तो उसके लिए हम लोगों को 60 रुपीज़ और ये जो बैठने के लिए बिस्तर वगैरह वो लोग पता के दिए तो इसके लिए 100 रुपीज़। तो हम लोगों ने नेगोशिएट किया तो वो जानके लिए 10 रुपीज़ का सब्सिडी दिया, तो टोटल हम लोग 150 रुपीज़ पे किया। तो फिलहाल हम लोग अभी करने वाले हैं डिनर और अभी टाइम है ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द इवनिंग। सो हम लोग क्या खाने वाले हैं वो तो आप लोगों को दिखाऊंगा ही, तो पहले बता देता हूँ कि मौसी जो है मतलब राजा का जो मम्मी है, उन्होंने अपने हाथों से आपका परोठा फिर आलू का भुर्जी ऐसा कुछ बना के भेजा था राजा के पास, तो वही हम लोग अभी खाएंगे। और देख के ही लाइक कुछ हो रहा है पेट में, तो फटाफट खा लेते हैं, भूख भी लगा है बहुत, क्योंकि वही कोलकाता स्टेशन पे ही खाए थे हम लोग, लंच किया था मैं और मदनदा ने। तो अभी डिनर करेंगे फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और ट्रेन के बारे में तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं अभी तक, लाइक कब आने वाला है कि नहीं आएगा भी नहीं वो भी नहीं पता, तो डिनर कर लेते हैं फिर। तो फिलहाल मैं हूँ मालदा स्टेशन पर और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:04 और अभी तक तो हम लोगों का जो ट्रेन है आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर से डिले कर दिया है प्रॉब्ली, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे दिखा रहा है आपका 5:35 को, तो लगभग 1.5 घंटा फिर से डिले कर दिया है। तो ऐसा चलता रहेगा तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे, लाइक हालत एकदम बदतर से बदतर होते जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ठंड भी है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। सो अभी टाइम हुआ है लाइक 4:09 और राइट नाउ जो ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, तो चलिए स्टेशन पे जाके मिलते हैं, मतलब 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और हम लोगों का जो कोच है वो है S1, और S1 कहाँ पे आने वाला है वो भी हम लोगों को पता नहीं, मतलब ऐसा ही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस हम लोगों का ट्रेन आ चुका है दिल्ली गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, तो लगभग 6-7 घंटे डिले है ये ट्रेन। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है बहुत। ये बंदा तो लाइक डिप्रेशन में चला गया था, लाइक क्या होगा मेरा एग्ज़ाम दे पाऊँगा भी नहीं, लाइक लिटरली
तो खुशी की बात यही है कि रात भर जगने के बाद ट्रेन फाइनली आ गया, यही बड़ी बात है। सो दिस इज लेट्स गो, तो लेट्स गो टू S1। व्हाट इज आवर कोच? हम लोग थे S7 के सामने, और S7 या S8 के सामने, और इतना दूर पैदल चल के आया। तो मुझे बात करना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, शोर मचाना नहीं चाहिए। कितना है हम लोगों का? कौन सा 40 और एक्चुअली सुबह का 4:20 है, अभी तो सब लोग सो रहे हैं, तो अभी मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, तो मैं भी अभी सो जाता हूँ, सुबह को बात करते हैं।